Assalamualaikum viewers and welcome back to another vlog. आज के vlog का सीन जो ऐसे कर आज के vlog में आपको दिखाने लगा हूँ मेरे पीछे आप चेकआउट कर ही सकते हो Yamaha YBR ES3. आपके भाई ने ये रिसेंटली बाइक किया और मैंने कहा आपको दिखाना तो बनता ही है अपना नया बाइक. कौन सा बाइक किया है, क्या फीचर है, क्या सीन है इसमें, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर डिटेल से बताते हैं वीडियो में. एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके. बाइक बहुत ज़्यादा मज़े का है, आप ये चेकआउट कर ही सकते हो यार. क्या खूबसूरत ब्यूटी है और इतना साफ सुथरा बाइक आपके बाइक को पहली बार मिला है. ठीक है, आपको पता है अच्छा और साफ बाइक मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है. ठीक है, और इस बार आपके भाई का लक अच्छा था कि आपके बाइक को काफ़ी ज़्यादा साफ बाइक मिल चुका है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. और खासकर ब्लू कलर तो आपके भाई का फेवरेट है. ब्लू कलर साफ मिलना बहुत मुश्किल है भाई और अच्छी प्राइस में मिलना बहुत मुश्किल है. तो इसमें सारी गुण मौजूद है भाई. ये हमें अच्छी प्राइस पे भी मिल गया और बहुत ज़्यादा साफ बाइक भी है और लोडेड है, मतलब सब चीज़ें इसमें लगी भी मुझे मिली हैं. तो कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है मुझे इसमें. स्टार्ट करते हैं ज़रा फ्रंट से. तो आप इसका फ्रंट चेकआउट कर सकते हो भाई, बहुत ही खूबसूरत लाइट और आप चेकआउट कर सकते हो. ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल नई है. ठीक है, और इसमें भी सिंपल हलोजन अभी इंस्टॉल है. मेरा मूड है आगे चल के LED इंस्टॉल करने का, बट मूड नहीं भी बन रहा क्योंकि यहाँ पे भाई दोनों साइड पर आप चेकआउट कर सकते हो. आपको सही हैवी ड्यूटी लाइट्स मिल रही हैं जो कि भाई यहाँ पर एक्स्ट्रा बटन भाई ने लगाया हुआ है तो उससे कंट्रोल होती हैं और भाई पूरे रोड पर ना ये रोशनी कर देती हैं. तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हेडलाइट में जो सिंपल हलोजन है वही लगा रहे तो उसकी वैसे भी जरूरत नहीं क्योंकि ये साइड एक्स्ट्रा लाइट्स हैं. बाकी हैजल लाइट वाला ऑप्शन भाई ने ऑन किया हुआ है. ठीक है, बाकी आप शाइन चेक करो यार, बाइक की शाइन जो है ना भाई ओए होए कमाल की है. बाकी फ्रंट पे आपको बताया सिंगल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक होती है, ठीक हो गया. और बाकी फ्रंट पे इतना कुछ बताने के लिए नहीं है. ज़रा आते हैं भाई इधर हैंडल की तरफ और हैंडल पे काफ़ी चीज़ें बताने वाली हैं. पहले तो मैंने लेते साथ ही ग्रिप चेंज करवाई क्योंकि इस पर ब्लू कलर ग्रिप्स लगी हुई थी, मुझे ओरिजिनल पसंद है. मैंने जैसे ही बाइक खरीदा पहले मैं गया भाई यामा के शोरूम पे, मैंने कहा भाई ग्रिप्स जो है ना वो जेन्युइन वाली होनी चाहिए तो मैंने जेन्युइन वाली ग्रिप्स लगवा ली. बाकी मिरर्स जो यामा वाले थे ये पहले से ही लगे हुए थे. ठीक है, ये अच्छा हो गया और क्वालिटी बहुत ज़्यादा मज़े की है इनकी. मतलब ना बहुत ज़्यादा ये होता है कि जब आप फुल स्पीड पर जा रहे होते हो तो ये वाइब्रेट वगैरह नहीं करते, ओरिजिनल की ये चीज़ अच्छी होती है. बाकी यहाँ पर आ जाए तो भाई जो इसकी एक्स्ट्रा लाइट लगी हुई है उसका कंट्रोलर यहाँ पर है. मैं आपको ज़रा चला के दिखाता हूँ. ये ज़रा आप देख सकते हो ये बेसिकली मल्टी लाइट्स हैं. ठीक है, यहाँ पे वैसे ये मैं ऑन नहीं करता, मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है ये. एक अगर एक स्टील ब्लू में होती ना तो ज़्यादा बेहतर था. ये कलर भी चेंज करती हैं और स्टील भी आप एक कर सकते हो. तो ये मैं आपको यहाँ से चेकआउट करा देता हूँ दोनों का सीन कुछ. ये आप चेकआउट कर सकते हो कुछ इस तरह का है, बट मुझे ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं पसंद. ये भाई हमारा मेन जो हमारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी लाइट्स हैं जो कि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं. क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं. बाकी इसको बंद कर देते हैं, इधर आते हैं. तो भाई ये आ गया भाई इसका डिपर का ऑप्शन. वैसे ये सेल्फ स्टार्ट का होता है बट यहाँ पर भाई ने डिपर का ऑप्शन सेट किया हुआ है. बाकी इधर आ गया भाई इसका हैजल लाइट का बटन आ गया, ठीक हो गया. बाकी इधर आ गया भाई इसका चार्जर. नीचे आपको चार्जर मिलेगा और ये बेसिकली मोबाइल होल्डर है. दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं, चार्जर प्लस मोबाइल होल्डर. यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो. इसको मैं अगर उठाऊंगा थोड़ा सा मुश्किल है भाई, रबर ज़्यादा टाइट है ना कि पानी वगैरह ना जाए. भाई काफ़ी ज़्यादा मैच करने के बाद ये खुल चुका है, आप चेकआउट कर सकते हो. कवर काफ़ी ज़्यादा हैवी इस पे लगा हुआ है कि भाई पानी वगैरह ना जाए अंदर. ये आप चेकआउट कर सकते हो. टाइप ए आपको दिया गया, आप अपना इससे कोई भी मोबाइल चार्ज वगैरह कर सकते हो, ठीक हो गया. और यहाँ से आप इसको ना खोलिए बंद कर सकते हो. ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है यार, होल्डर बहुत मज़े का. ये मेटल का है और मतलब ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है. मैं रेकमेंड करूँगा जो टूर पर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है और ये सही करके ग्रिप करता है मोबाइल को. बाकी आते हैं ज़रा मीटर की तरफ. तो यार इसका मीटर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. आपको बताइए यही लेटेस्ट चेयर है अभी तक, ये वाला डिज़ाइन 2018 से चेंज हुआ था. ठीक है, तो उसके बाद यही वाला मीटर का डिज़ाइन है जो कि चल रहा है. बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, 120 की टॉप स्पीड है, 12,000 RPM है. ठीक है, और यहाँ पर गियर इंडिकेशन और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेशन मिल जाएगी. सारे ऑप्शन इसके चालू हैं. मैंने जो भी आज तक बाइक लिया ना उसमें ही होता है, या उसका क्या कहते हैं गियर इंडिकेशन नहीं चल रहा होता, वो चल रहा होता. तो फ्यूल गेज तो हर बाइक का ख़राब होता है यामा का ना, तो भाई ये पहला बाइक है जिसका ना फ्यूल गेज भी चल रहा है. मतलब अच्छा ही हो गया भाई मेरे लिए तो. बाकी हाई लो का ऑप्शन है, ऑटो इंडिकेटर वाला ऑप्शन है, नीचे हॉर्न का ऑप्शन है, इस तरफ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन है. ये तो नॉर्मली जो बाइक में आते हैं. ठीक है, बाकी यार आप टैंक की शाइन चेक करो. ओए हो क्या खूबसूरत है भाई, ब्लू कलर ना पूरी पूरी चस्क करा रहा है. ठीक है, और आपको पता है साफ बाइक हो तो वो और ज़्यादा चस्क कराता है. बाकी इंजन की तरफ आ जाए तो भाई इसका इंजन जो है 125 cc है. ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का इंजन है भाई. यामाहा का जो इंजन है ना भाई कमाल का, कमाल का. इस इंजन में वाइब्रेशन नहीं है. ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ बन जाती है. ठीक है, और ऊपर से बटरफ्लाई कार्बोरेटर लगा हुआ है जिसकी वजह से आपको जो एवरेज है वो काफ़ी कमाल मिलती है. ठीक है, ये बाइक तकरीबन अभी मुझे जो है ना भाई 45 से 50 एवरेज दे रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की चीज़ है भाई. आपको एक यामाहा जो कि मैं प्रॉपर स्पोर्टी लुक में हो आपको 45 से 50 एवरेज दे, जो कि नॉर्मल 70 हमें दे रहा होता है.
ठीक है, तो और क्या ही चाहिए मतलब, तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। बाकी इधर आते हैं, आप इसकी सीट चेकआउट कर सकते हो यार। इस पे इंस्टॉल है मैश कवर यार, मुझे ना इस बार सारे मोड्स हुए मिले हैं जो कि मतलब मुझे कुछ करवाना ही पड़ा, ये चीज़ मैं खुद करवाता हूँ। डर भी हुए, मैंने मैश वाला सीट कवर लगाया था, ये बहुत मज़े का होता है ठीक है। आपका बाइक मतलब धूप पर भी खड़ा हो तो हीट नहीं होता, आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो उसके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। बाकी आ जाते हैं शॉक्स की तरफ, तो रियर भी शॉक बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, फ्रंट का तो भाई जवाब ही नहीं है ना। बाकी आप इसका एक्सटेंसिव चेकआउट कर सकते हो, 2018 के बाद ये जो नया मॉडल आया था ठीक है, उसमें आपको ये ब्लैक सेंसर मिलता है, इसकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी पीछे आप ये चेकआउट कर सकते हो, मेरा जो मूड है इसको मैं उतरवा के ब्लैक शायद लगाऊं, जो कि फुल ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन ज़्यादा प्यारा लगेगा, क्योंकि क्रोम बाइक में बहुत ज़्यादा कम है तो ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है। बाकी रियल आप इसकी टेल लाइट चेकआउट कर सकते हो, इंडिकेटर भी ऑन है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैंने ऑन किया था ठीक है। और बाकी पीछे आ जाते हैं मडगार्ड, आप चेकआउट कर सकते हो यार। मुझे यामाहा में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि इसका जो चैन कवर होता है बहुत ही आला क्वालिटी का होता है, प्लास्टिक में होता है मतलब वो खाड़ खुड़ की आवाज़ भी नहीं आती ठीक है, जैसे होंडा में होता है लोहे का होता है बट वो ख़राब हो जाता है। बाकी यहाँ से भी आप कुछ लुक चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको ज़रा फुल लुक चेकआउट करा देता हूँ। यार क्या लुक आ रही है इस भाई बी आर की, मतलब ना पूरी पूरी चस आ रही है आपके भाई को, मतलब मुझे अब लग रहा है कि मैंने जो डिसीजन लिया है इसको बाय करने का बहुत ही मज़े का डिसीजन था। मतलब मेरा ये सीन था ना, मैं सुबह 8 बजे उठा, मैंने मोबाइल से कॉल कर रहा था, अचानक ही फेसबुक पे पोस्ट आई कि भाई ये बाइक फॉर सेल है, तो मैंने भाई से बात की, मैंने कहा यार क्या सीन है, तो कहता है यार बाइक अवेलेबल है, मैंने कहा दूसरी बात ही नहीं कि, मैंने कहा चलो भाई मैं आ रहा हूँ ठीक है, तो भाई कहते हैं मैं अभी ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ ये वो, मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता ऑफिस आप लेट कर दो, मैं आपके पास आ रहा हूँ तो कहते हैं ठीक है ठीक है। मैंने बाइक क्या करवाया भाई, दस्ती भागा हूँ ठीक है, और जाके ये बाइक ना मैंने भाई से ले लिया। मैंने कहा भाई इसको तो मैंने छोड़ने वाला, मैंने देखा और मैंने दूसरी बात नहीं की, मैंने इसको मज़े की बात है मैंने इसकी डील कर ली, मैंने स्टॉर्म कर ली और मैंने बाइक चलाया भी नहीं। अब पता नहीं मेरा भी कभी कभी ना दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है, मैंने बिना बाइक चलाए हुए मैंने बस उसके साथ मैं बाइक देखा, मैंने कहा भाई डील है, इंजन साउंड सुना भाई इतना मतलब आप समझो कि बाइक 50,000 चला हुआ है ठीक है, मतलब अच्छा खासा बाइक चला हुआ, ये हंजराब पास से होके आ गया ये बाइक, जो जिस बाइक के पास था उसको टूर का शौक थे, आगे भी आप चेकआउट कर सकते हो, ये पाकिस्तान बाइकर ट्रैवलर्स ये कुछ इनका लोगो शोक है ठीक है, तो वो ट्रैवल करते हैं हंजराब पास तक, बाइक गया हुआ है ये, हो क्या है एक बाइक है जो हंजराब पास से होके आ गया और एक हम हैं जो हंजराब पास जा ही नहीं सकते यार, हमारे सारे दोस्त ही हमें गोलियां करा देते हैं, क्या करें भाई, दोस्त बनाओ तो अच्छे बनाना ठीक है, क्योंकि आजकल के जो दोस्त हैं ना बस समझ रहे होगे आप, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यार मेरे ख्याल में ना बहुत मज़े की चीज़ है ठीक है, मुझे तो ये बाइक ना बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा है, और जिस प्राइस टैग में आता है मेरे ख्याल में तो अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अभी जो नया चल रहा है वो तकरीबन 4.5 लाख का चल रहा है, और अभी हम यूज़ की बात करें तो 2018-19 मॉडल जो है ना वो तकरीबन आपको मिल जाती है, 18 के एंड का है, 19 मॉडल है ठीक है, तो ये तकरीबन आपको मिल जाता है यार 2.5 से लेके 3 लाख की रेंज में ठीक है, डिपेंड अप ऑन के भाई क्या मतलब कंडीशन है, क्या सीन है ठीक है। जिसका साफ रखा हुआ जैसे कि ये है, ये आपको 3.20-3.30 का ही मिलेगा, क्योंकि मैंने इससे पहले याद होगा ब्लैक वाला YBR आपने देखा होगा, 22 मॉडल जो था, मैंने 22 मॉडल YBR जी लिया ठीक है, ब्लैक वाला जो आपने शायद मेरी बर्थडे वाली वीडियो में देखा होगा, जो मेरे दोस्त की बर्थडे थी तो उसमें मैंने वो दिखाया था बाइक मैंने लिया था, मैंने ज़्यादा उसकी वीडियोज़ नहीं बनाई क्योंकि मैंने जल्दी ही सेल कर दिया था। उसमें मसला क्या था कि वो 22 मॉडल था और उसके इंजन में इतनी गंदी गंदी आवाज़ें थी ना, मतलब वो आप समझो कि बिल्कुल ही फारिग था, 22 मॉडल था बट उसका इंजन ना बिल्कुल फारिग था, 50,000 बाइक चल गया, इंजन इसका इतना साइलेंट है ना वो चस्कर आ रहा है, मतलब भाई मैंने बस ये साउंड सुना मैंने बाइक ले लिया। अब नेक्स्ट बार से मैंने सोचा कि भाई प्रॉपर बाइक को चला के सारी चीज़ें देख के ठीक है तो बाइक लेना है, बट इस बार थोड़ी सी मैंने गलती की है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, बाकी वो हमारी गलती तो नहीं हुई है, हमें अच्छी चीज़ ही मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भाई जो है ना वो चीज़ को देखता है कि साफ़ हो, इंजन में कोई मसला ना हो, तो बस यार और क्या देखना ठीक है। बाकी छोटे मोटे काम है बैटरी शैटरी के, वो मैंने करवा लेने, कोई मसला नहीं है इसका, मतलब मेन काम बाइक में कोई भी नहीं है, इंजन वाइज, चैन गाई साइड, कोई भी मतलब डिस्क ब्रेक, हर चीज़ परफेक्ट है ठीक है। बाकी व्यूअर्स आपने मुझे बताना है कि ये डिसीजन आपका भाई का कैसा है रहा है, आपको ये बाइक पसंद आया या नहीं, मेरे ख्याल में तो बहुत मज़े की चीज़ है ठीक है, क्योंकि आजकल अच्छा बाइक मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जो आपके भाई को मिल गया हुआ है ठीक है, अगर हमारे किसी दोस्त ने हमारा साथ दिया और कोई रेडी हो गया हंजराब पास के लिए तो इसको हम हंजराब पास ले जाएंगे, अगर कोई नहीं रेडी हुआ तो फिर इसको सेल करके कोई और ले लेंगे, क्या कर सकते हैं, बस बाइक एंजॉय करना है और उसके बाद हमें सेल कर देना है ठीक है, बट अगर कोई दोस्त राजी हो गया तो ये आपको नज़र आएगा हंजराब में,
क्योंकि यार अकेला जाना अभी वो सीन नहीं बनता, अकेले बंदा ट्रैवल करे वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई ट्रैवल किया हुआ भी नहीं है। अगर मैंने किया होता अकेले कोई तो फिर मेरे लिए ईजी हो जाता दूसरा ट्रैवल करना, बट फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम आपको पता है बहुत सारे मसले वगैरह होते हैं रास्ते में, अभी कुछ भी मुझे नहीं पता इसके बारे में, ट्रैवल के बारे में। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहला टूर किसी दोस्तों के साथ कर लूँ एक दफ़ा, वो कहते हैं ना हाथ खुल गया तो फिर बंदा रिलैक्स हो जाता है, तो ये वाला सीन है। बाकी वर्ड्स बहुत मजे का भाई, क्या आपने मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि आप किस तरह का लगा। बाकी वर्ड्स उम्मीद करता हूँ आपके आज का व्लॉग पसंद आएगा, व्लॉग पसंद है चैनल को लाइक शेयर करें मस्ट है। चलिए आपको इसी तरह किसी नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। यार माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा।